अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निदामत व्लॉग्स। आज मेरे फादर का रोजा था तो मैंने उनके लिए एक डिश बनाई बहुत अच्छी और बहुत मजेदार ताकि वो राजी हो जाए। क्या था? बीफ कोफ्ता। कोफ्ता या कोफ्ते बनाए ताकि वो उनका रोजा बहुत अच्छे से शानदार से अफ्तार हो जाए। तो उनको ना सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखते हैं, जैसे कि नबी पाक रखते थे रोज़ा मंडे को और थर्सडे को। वो हर वीक टू डेज रोज़ा रखते हैं। तो मैं उनके साथ हूँ। कुछ आज मैं आपके साथ एक मेकअप ट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त सी आपके साथ शेयर करूँगी। वो है कंटोर, हाउ टू कंटोर योर फेस। जैसे कि ये फेस ऐसे होते हैं, इसको कैसे स्लिम और स्मार्ट करना है और नोज को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना मेरे चैनल। सारा पकड़ा है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ओके जी, आप लोग में मुलाकात होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको कंटूर का तरीका बताने लगी हूँ कि कैसे कंटूर करती हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ जो कि तिब्बत क्रीम है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसके टेक्सचर। अब इसके बाद मैं एमएम यानी कि मुसरत मिसबा का फाउंडेशन लगा रही हूँ जो कि 24 आवर्स इसकी कवरेज है, यानी कि फुल कवरेज है। ये चेहरे पर तब तक टिकता है तब तक जब तक आप ख़ुद इसको नहीं उतारते। या मैं फुल ब्लेंड कर लूँगी, नेक को नहीं भूलना। उसके बाद मैं इसको सेटिंग पाउडर से इसको सेट कर रही हूँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सेटिंग पाउडर है। ये सेट कर देगा चेहरे को। पेंसिल पे अपनी स्पूली के साथ इसको पेंट कर रही हूँ कि ताकि ये अच्छा सा इसका शेप बन जाए। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये दराज से मैंने पहले बताया था कि ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मैं कंट्रोल किट ले रही हूँ मैं भी साकिब की। इसे मैं अपनी फिंगर्स की मदद से इस पर ऐसे लाइंस लगाऊंगी अपने फेस पे और नोज पे। अब उसके बाद मैं अपने फोरहेड को कवर करूँगी। फोरहेड पे ये डॉट्स की तरह मैं इसको पुट करूँगी। आप डबल चिन जिनकी डबल चिन है यानी कि गर्दन ज़्यादा मोटी है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये मेकअप बहुत ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है। अब मैं अपना ब्रश लेके इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम इसको, कहीं भी इसका जो है कि टेक्सचर ना रहे या ऐसे लगे कि ये ऊपर ऊपर लगाया हुआ है, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। अब इधर वाली साइड पे मैं करूँगी ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। इधर ज़्यादा लग गया था। अब ऐसा करेंगे कि हम अपनी नेक को डबल चिन को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन इस पे हम ऐसा टेक्सचर लगाएंगे, हम ऐसी इसको सेटिंग करेंगे कि हमारी डबल चीन ना लगे। अब हम फोरहेड की करेंगे तो क्या फुल फॉर्म मेरी स्ट्रक्चर बन जाए एक फेस का कि ऐसा फेस चाहिए था। अब उसके बाद मैं अपनी नोज़ की तरफ आऊँगी। अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड। अब उसके बाद मैं अपनी नोज़ की तरफ आऊँगी। नोज़ पर जब मैं इसको ब्रश को ज़्यादा इस पर मैंने दबाव नहीं डालना क्योंकि ये ना हो कि नोज़ हाथ में आ जाए। तो नोज़ की हम कंटूर कर रहे हैं। ये देखें जी, नोज़ छोटू सी हो गई है मेरी। ये कंटूर किया, ये है जो फिंगर्स की मदद से उसको और छोटा कर लिया। अब ये मेरा ब्राउज़र पैलेट है 20 रोज़ का, इसके साथ मैं इसको ब्राउज करूँगी और शेप इसकी शार्प हो जाएगी। आप स्किप भी कर सकते हैं ये स्टेप लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़रूर इसकी और शार्पनेस लाती हूँ चेहरे पे। कुछ चेहरे का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और जो फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छा टिक जाता है और फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है। अब नोज़ की कंटूरिंग दोबारा मैंने उस पर भी ब्राउज़र लगा रही है। अब मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पे लगाऊँगी इसको ताकि लिप्स भी थोड़े से बिग लगें। आप बताएंगे कैसी लुक है। अब ये मैं नेक्स्ट ये जी लुक है आज की। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और हो सके क्या आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह हाफिज़।